वेरी गुड मॉर्निंग, मैसेल संजय मकवाना। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफर केस या ट्रांसफर बॉक्स, जो कि व्हीकल टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है MA 308 का। तो इसको समझते हैं आज अपन कि ट्रांसफर बॉक्स क्या होता है, ट्रांसफर केस क्या होता है। सबसे पहले, ट्रांसफर बॉक्स एक ऐसी डिवाइस है जो कि उन गाड़ियों में लगा होता है जिसको अपन को फोर व्हील ड्राइव बनाना होता है या ऑल व्हील ड्राइव बनाना होता है। ये कह सकते हैं कि जहाँ अपन को पावर को आगे भी देना है और पीछे भी देना है, वहाँ पर अपन को शिफ्ट ट्रांसफर केस या ट्रांसफर बॉक्स अपन उन गाड़ियों में लगाते हैं, राइट। ट्रांसफर केस को ट्रांसफर बॉक्स भी बोलते हैं। और ये कह सकते हैं अपन कि जहाँ ऑल व्हील ड्राइव बनाना है गाड़ी को, चारों व्हीलों में पावर देनी है, ऑल व्हील ड्राइव, ये देखिए फोर व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव, वहां अपन इस वाली डिवाइस को यूज करते हैं, उन गाड़ियों में अपन इसको लगाते हैं। अब इसमें जो कंस्ट्रक्शन है वो पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी वर्किंग पे बात करेंगे। देखिए, ये इनपुट शाफ्ट है जो कि गियर बॉक्स से हमारे पास आ रही है। इसकी पोजीशन जो होती है वो गियर बॉक्स के बिल्कुल पास में ये लगा हुआ होता है। जो गियर बॉक्स होता है उसमें बिल्कुल उसके पास के अंदर ये लगा होता है। और इसमें एक एडिशनल लीवर होता है जो ड्राइवर की जो गियर लीवर होता है उसी के पास में इसका भी लीवर होता है ऑपरेट करने। तो ये इनपुट शाफ्ट है जो गियर बॉक्स से आ रही है और इस इनपुट शाफ्ट पे दो गियर लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप, एक स्मॉल गियर है और एक बिग गियर है। ये दोनों जो गियर हैं वो हेलिकल गियर है, ये भी हेलिकल गियर है और ये भी हेलिकल। ये छोटा है इनपुट शाफ्ट गियर स्मॉल, ये छोटा है और ये बड़ा गियर है बिग। और ये इनके बॉस हैं, जो उभरा हुआ पोर्शन होता है किसी भी कंपोनेंट का उसको अपन बॉस बोलते हैं। और यहाँ पर इन बॉस के ऊपर टीथ कटे हुए, एक्सियल टीथ, इस पर गियर है, मतलब ये एक्सियल टीथ कटे हुए दोनों के ऊपर। और इसी शाफ्ट के ऊपर बीच में एक शिफ्टर मैकेनिज्म है जिसको अपन बोलते हैं ए। ये शिफ्टर मैकेनिज्म है जो कि इनपुट शाफ्ट के ऊपर कसा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन शाफ्ट को रोटेट करेंगे तो ये जो दोनों व्हील हैं ये रोटेट नहीं होंगे और ये रोटेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो गियर्स हैं ये फ्री हैं शाफ्ट के ऊपर, नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं है, ये नहीं घूमेंगे जब शाफ्ट को घुमाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्री है दोनों गियर और ये फिक्स है। दिस इज माउंट तो तीनों है लेकिन ये दोनों फ्री है और ये फिक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अपन शाफ्ट को रोटेट करेंगे तो ये शिफ्टर मैकेनिज्म रोटेट होगा, राइट। तो ये दिस टू गियर्स आर फ्री ऑन दिस इनपुट शाफ्ट, राइट। फिर अपन नीचे की तरफ चलते हैं तो इस वाले हेलिकल गियर से एक ये वाला गियर अटैच है और इस वाले से ये वाला। दोनों आपको अच्छी तरह मालूम है कि अगर अपन हेलिकल गियर से दूसरा हेलिकल गियर जोड़ते हैं तो अगर ये राइट हैंड हेलिक्स है तो इससे लेफ्ट हैंड हेलिक्स ही अटैच होगा, और अगर ये राइट हैंड हेलिक्स है तो इससे लेफ्ट हैंड हेलिक्स गियर ही अटैच होगा। ये कॉम्बिनेशन होता है, राइट हैंड हेलिक्स के साथ लेफ्ट हैंड हेलिक्स गियर ही जुड़ सकता है। तो ये दोनों जो है आइडलर गियर है। आइडलर गियर का मतलब ये है कि ये बीच में लगाए सिर्फ डायरेक्शन को सेम बनाने के लिए लगाए। जब भी दो गियर आपसरी में मैच करते हैं तो इनकी जो शाफ्ट की रोटेशन है वो चेंज हो जाती है, तो उसको सेम बनाने के लिए अगर हमारे को एक ही दिशा में हमारे को शाफ्ट की रोटेशन करनी है तो बीच में आइडलर गियर लगाना जरूरी हो जाता है ताकि इसका जो रोटेशन है और इसका रोटेशन सेम मिल सके। अगर अपन ये नहीं लगाएंगे तो इसका रोटेशन और इसका रोटेशन अपोजिट हो जाएगा, तो इस वजह से ये आइडलर गियर लगा रखे अपन ने जो कि दोनों हेलिकल है। फिर ये जो आप देख रहे हैं इस वाले हेलिकल गियर से एक गियर और अटैच है और वो आउटपुट शाफ्ट के ऊपर कसा हुआ है। कहने का मतलब है इसके ऊपर माउंट है। और ये आप देख रहे हैं एक शिफ्टर मैकेनिज्म और है जिसको बोलते हैं बी। ये बी शिफ्टर मैकेनिज्म है जो कि आउटपुट शाफ्ट पे, आउटपुट शाफ्ट में एक सिरा जा रहा है फ्रंट की तरफ और दूसरा जा रहा है रियर की तरफ, पीछे की तरफ, और ये जा रहा है आगे की तरफ। और इसी वाली शाफ्ट के अंदर स्प्लाइंस भी कटे हुए हैं, आप देख सकते हैं स्प्लाइंस होती है, जो मल्टी की शाफ्ट होती है उसको अपन स्प्लाइंस बोलते हैं, और उसको स्लॉट्स के अंदर फिक्स कर देते हैं तो वो उस गियर के साथ या उस शाफ्ट के साथ रोटेट करेगी और जब अपन डिटैच कर देंगे तो वो उससे अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर ये स्प्लाइन शाफ्ट है और ये शिफ्टर मैकेनिज्म बी है और ये शिफ्टर मैकेनिज्म ए है। तो ये देखिए, ये इसका पूरा कंस्ट्रक्शन था। मैंने आपको ये बताया कि ये हम ट्रांसफर बॉक्स या ट्रांसफर केस उन गाड़ियों में लगाते हैं जिनको हमको फोर व्हील ड्राइव बनाना, फोर इंटू फोर बनाना। फोर इंटू फोर का मतलब होता है फोर व्हील ड्राइव, या आगे भी पावर दे रहे हैं और पीछे भी पावर दे रहे हैं, उन गाड़ियों के अंदर इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब ये काम कैसे करता है,
तो देखिए इसकी तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन न्यूट्रल वाली है कि जब हम गाड़ी को स्थिर अवस्था में रखते हैं, रोके रखते हैं और वो रुकी रहती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इनपुट पावर, इनपुट शाफ्ट से पावर आई, इनपुट शाफ्ट से पावर आई तो ये पूरी इनपुट शाफ्ट रोटेट होती है, तो ये दोनों गियर जो है, ये दोनों गियर इस पे फ्री हैं, ये रोटेट नहीं होंगे, ये जो शिफ्टर मैकेनिज्म है ये रोटेट होगा। लेकिन जब अपन न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, गाड़ी आगे नहीं बढ़ी, तो इसको कहीं पे भी अटैच नहीं करते, ये बीच में रहेगा। जो पहली कंडीशन है न्यूट्रल की, उसमें ये बीच में रहेगा, तो पावर है कहीं से भी नीचे नहीं जाएगी, राइट। तो ये वो कंडीशन होगी जब हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही हो और एक जगह रुकी हुई हो, न्यूट्रल कंडीशन में, तो ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में जब हमारे को 4x2 वाली ड्राइव बनानी, 4x2, ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ये जो शिफ्टर मैकेनिज्म आप देख रहे हैं, ड्राइवर इसको लीवर की सहायता से, इसको जो बड़ा गियर है, ये बिग गियर जो देख रहे हैं आप, इसके अंदर अटैच कर देगा इस बॉस से, और ये जो बॉस के ऊपर टीथ बने हुए और इसे शिफ्टर मैकेनिज्म पे जो टीथ बने हुए, इनका जो पिच है वो बिल्कुल सेम है। तो जब अपन इस शिफ्टर मैकेनिज्म को इससे अटैच कर देते हैं बॉस से, तो देखिए इसको अपन इससे जोड़ देंगे, तो जब इससे इसको जोड़ देंगे, तो अब क्योंकि ये शिफ्टर मैकेनिज्म जो है वो इस पे फिक्स है, ये तो फ्री थे, ये फिक्स है, तो अब पावर जो है इस वाले गियर की, इसके थ्रू इनपुट शाफ्ट से यहाँ नीचे चली जाएगी। आप देख सकते हैं जैसे अपन इसको अटैच करेंगे, तो ये इससे जुड़ते ही इसके थ्रू पावर इनपुट शाफ्ट से नीचे वाले गियर में यहाँ चली जाएगी। जब पावर यहाँ आ गई, उसके बाद फिर इसमें आ जाएगी, और जब अपन इसको शिफ्टर मैकेनिज्म को यहाँ अटैच कर देते हैं, ऐसी कंडीशन में जब अपन को 4x2 व्हील ड्राइव चाहिए, तब बीच जो है डिसएंगेज रहता है, डिटैच रहता है, सिर्फ एक जुड़ा हुआ है यहाँ बिग गियर से, तो पावर का जो मोड है वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से सीधी नीचे आ जाएगी, और यहाँ से आप देखते हैं कि रियर आउटपुट शाफ्ट के अंदर रियर व्हील में ये ट्रांसमिट हो जाएगी, चली जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी गाड़ी काम कर रही है, वो काम कर रही है 4x2, फोर व्हील, पहला वाला जो फोर है वो शो करता है व्हील की संख्या, फोर व्हील, और जो दो है ये शो कर रहा है टू व्हील ड्राइव, और अगर इसके बाद अपन लिख दें रियर व्हील ड्राइव, तो ये और स्पेसिफाइड हो जाता है कि कौन से दो व्हील में पावर जा रही है, रियर व्हील ड्राइव, राइट। तो देखिए हमने क्या करा, एक शिफ्टर मैकेनिज्म को बड़े वाले गियर के बॉक्स से अटैच कर दिया, जिससे पावर इससे होती हुई नीचे आ गई, और इसके थ्रू जो है रियर की तरफ चलेगी, पीछे वाले व्हील्स में चलेगी और टू व्हील ड्राइव होगी। यहाँ पर जब अपन इसको इससे अटैच करेंगे, तब ऐसी कंडीशन में जो बी है वो डिसएंगेज रहेगा, डिटैच रहेगा। अब सेकंड थर्ड कंडीशन जो बनती है वो रहती है कि शिफ्टर मैकेनिज्म हम छोटे वाले गियर से अटैच कर दें। तो देखिए इसको अपन को सरका के इधर करना है, तो अब ऐसी कंडीशन में जब अपन को इससे जोड़ रहे हैं, तब इससे यह अलग हो जाएगा, डिसएंगेज हो जाएगा। जब यहाँ अपन इसको जोड़ देते हैं, तो अब पावर का जो मोड है वो इस वाले गियर से छोटे वाले गियर में आ गया, राइट। जब ये छोटे वाले गियर में आ गया, तो यहाँ से जो पावर है वो इस वाले मोड के थ्रू इस वाले गियर में आ जाती है, और यहाँ से ये नीचे की तरफ आ जाती है। जब ये इस वाले गियर में आ जाएगी, अब जब अपन ने इस शिफ्टर मैकेनिज्म ए को अपने इस बॉस के साथ जोड़ दिया, तब क्या होगा कि इस बी शिफ्टर मैकेनिज्म को भी अपन को यहाँ जोड़ना है। एक तरफ से ये बी यहाँ जुड़ेगा ए, और दूसरा वाला शिफ्टर मैकेनिज्म जो बी है उसको अपन यहाँ पर जोड़ देंगे नीचे वाले गियर पे, इस पे। अब पावर कैसे जाएगी, इसके थ्रू यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, और पहले आगे तो जा ही रही थी, अब क्योंकि अपन ने शिफ्टर मैकेनिज्म बी अटैच कर दिया है, तो बी शाफ्ट जो है वो ये स्प्लाइन जो है वो इस गियर में फिक्स हो जाएंगी, और इसकी हेल्प से क्या होगा कि ये जो आउटपुट शाफ्ट है इसमें फ्रंट की तरफ भी पावर जो है वो चालू हो जाएगी, जाने लग जाएगी। तो अब अपनी गाड़ी जो है वो 4x4 हो गई, 4x4, तो ये कह सकते हैं अपन ऑल व्हील ड्राइव। ये देखिए फोर व्हील्स और ऑल व्हील ड्राइव हो गई, तो चारों व्हील में जो है हमारे ये, क्योंकि अपन ने बी शिफ्टर मैकेनिज्म जो है वो अटैच कर दिया है इस वाले नीचे आउटपुट शाफ्ट वाले गियर से, जिससे कि पावर जो है वो आगे भी जा रही है और पीछे की तरफ भी जा रही है। तो ये जो हमारा इसको अटैच करने से जो मोड बना वो हो गया 4x4 वाला हो गया, और फोर व्हील एंड ऑल द व्हील्स आर ड्राइव व्हील। तो ये हमारी थर्ड कंडीशन हो गई। जब भी हमारे को न्यूट्रल करनी है, तो अपन इसको बीच में रखेंगे और इसको अलग कर देंगे, तो ये हमारी न्यूट्रल कंडीशन होगी। जब हमारे को सिर्फ टू व्हीलर ड्राइव बनानी है, तब अपन इसको एक को बड़े वाले गियर से अटैच करेंगे और इसको डिटैच कर देंगे, तो पावर
पीछे वाले व्हील्स में जाएगी और ये 4x2 कहलाएगी। जब हमारे इसको हमको इसको 4x4 बनाना है तब ए शिफ्टर मैकेनिज्म अपन को यहाँ शिफ्ट करना है और ये अपन को आउटपुट वाले शिफ्ट गियर के अंदर जोड़ना है, जिससे कि दोनों शाफ्ट के अंदर पावर जाएगी और हमारी जो गाड़ी है वो 4x4 व्हीकल। ये जो 4x4 है ये हम कब बनाते हैं, ये विशेष परिस्थितियों में बनाते हैं। कब बनाते हैं कि जब हमारी गाड़ी को हाई टॉर्क की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा टॉर्क चाहिए, हैवी टॉर्क की आवश्यकता होती है, तब अपन 4x4 गाड़ी बनाते हैं। इसका मतलब ये कि हर कंडीशन में स्लिपरी सरफेस आ जाए, चिकनी सरफेस आया, उबड़ खाबड़ सरफेस आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारी गाड़ी रुके ना और उनको पार करते हुए निकलती जाए, चलती जाए, तो ऐसी कंडीशन में अपन टॉर्क ज़्यादा चाहिए होता है तो 4x4। लेकिन जब हाईवे पर चलानी होती है जब, तो हम इसको 4x2 रखेंगे और इसको अपन को यहाँ अटैच करेंगे, जिससे कि हमारे को अब RPM ज़्यादा मिलेगी और टॉर्क कम मिलेगा, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। जब अपन इसको टॉर्क ज़्यादा प्राप्त करेंगे तब इसकी स्पीड कम रहेगी, ये ध्यान रखिएगा, तब इसकी स्पीड कम रहेगी। लेकिन जब अपन हाईवे पर चलाते हैं इसको 4x2 बनाएंगे तब इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। तो अपन चाहे जैसे अपन इस गाड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे जैसे अपन इसको अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ट्रांसफर बॉक्स या ट्रांसफर केस जो है काम करता है इसका। इस तरीके से ज़्यादातर इसका यूज जो है वो मिलिट्री व्हीकल्स होता है उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें टॉर्क की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जो मशीनरी होती है उसके अंदर ज़्यादा यूज होता है मशीनरी को, हैवी ड्यूटी मशीनरी, जो हमारे हैवी लोडिंग ट्रक्स होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल होता है। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि अगर अपन जिस गाड़ी में ये लगाते हैं ट्रांसफर केस, तो ऐसी गाड़ी के अंदर हमको डिफरेंशियल आगे भी लगाना है और पीछे भी लगाना है, क्योंकि उसी के अंदर अपन पावर, इसकी जो शाफ्ट है वो जो जा रही है वो डिफरेंशियल से अटैच होगी, तो अगर आगे की तरफ भी पावर जा रही है तो आगे भी एक डिफरेंशियल होगा और पीछे भी पावर जा रही है तो पीछे भी एक डिफरेंशियल होगा। तो 4x4 वाली गाड़ी जो होती है उनमें दो डिफरेंशियल होते हैं, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।